बच्चों, हमारी कहानी आज हम जो शुरू करेंगे उसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। और ये किसके बारे में है? ये है एक ताल वादक जिनका नाम है एवलिन ग्लेनी। उन्हीं के जीवन के ऊपर ये कहानी बनी है। चलो करते हैं शुरू। रशाज क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो क्या हो रहा है, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई है? जो जब व्यस्त समय होता है, जब सबसे ज़्यादा लोगों को जल्दी होती है अपने ऑफिस जाने की, भीड़ स्कूल जाने की, है ना, बाकी सब जगह जाने की, उस समय में जो सारी भीड़ थी, जो क्राउड था, वो क्या कर रहा था बच्चों? वो क्राउड धक्का दे रहा था एक दूसरे को, यानी कि जॉसल कर रहा था, धक्का दे रहा था एक दूसरे को। और धक्का दे क्यों रहा था? क्यों? क्योंकि उनको अपनी जगह हासिल करनी थी। कहाँ पे? वो जो नीचे ट्रेन जाती है ना, उस ट्रेन के अंदर उनको अपनी जगह हासिल करनी थी। इसीलिए क्या हो रहा था वहाँ पे? लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर 17 years was nervous yet excited as she felt vibrations of the approaching train. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? अब एक छोटी सी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब होता है छोटी सी लड़की, जो कि 17 साल से भी छोटी लग रही थी। वो एक तरफ कैसी थी? उस लड़की को एक तरफ बेचैनी हो रही थी, वो एक तरफ कैसी थी? नर्वस थी, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित भी थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। और वो एक्साइटेड भी थी, उत्साहित भी थी, और साथ ही साथ वो बेचैन भी थी। पर क्यों थी भाई? क्योंकि उसको क्या महसूस हुआ? एक कंपन महसूस हुआ, वाइब्रेशन महसूस हुए। और किसका कंपन था? एक पास आती हुई ट्रेन का, अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग ट्रेन का मतलब होता है कोई पास आती हुई चीज़। अब अगर मैंने ट्रेन की बात करी है तो वो ट्रेन हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ अप्रोचिंग कार तो क्या होगा? पास आती हुई कार, है ना। पर इस लड़की को महसूस हो रहे थे कंपन एक पास आती हुई ट्रेन के। इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन। तो उसका पहला दिन था एक बहुत ही प्रतिष्ठित, एक अकेडमी है बच्चों लंदन के अंदर। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नामी गिरामी। तो वहाँ पे लंदन में एक अकेडमी है, किसकी? संगीत की। उसका नाम क्या है? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, है ना। वहाँ पे क्या हो रहा था? वो वहाँ के लिए जा रही थी। आज उसका वहाँ पे पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और ये जो चीज़ है भाई, इतनी मशहूर, इतनी प्रतिष्ठित स्कूल के अंदर जाना, है ना, वो कैसा है? अपने आप में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, डॉन्टिंग हो जाता है, कठिन हो जाता है उस बच्चे के लिए जो कि कहाँ से है भाई? स्कॉटलैंड के एक गांव से है, स्कॉटिश फार्म से है वो, एक है ना। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन ये जो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी संगीतकार है, एस्पायरिंग मतलब महत्वाकांक्षी, और म्यूजिशियन बच्चों, म्यूजिशियन कौन होता है? संगीतकार। तो ये शब्द तो इस कहानी के लिए आप याद ही कर लें, म्यूजिशियन का मतलब क्या होता है? संगीतकार। और ये जो संगीतकार है ये कैसा है? बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने इससे भी कई बड़े बड़े चैलेंजेस झेले हैं, चुनौतियाँ। चैलेंज का मतलब क्या होता है? चुनौतियाँ। इस संगीतकार के आगे तो और भी ज़्यादा मुश्किल चुनौतियाँ आई हैं। लेकिन कौन सी मुश्किल चुनौतियाँ? देखें, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। वो कैसी थी? पूर्णतया बहरी थी बच्चों। प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मतलब पूर्णतया पूरी तरीके से। और डेफ कौन होता है? जो कि सुन ना सके। तो कितना अजीब लग रहा है कि भाई एक संगीतकार जो कि सुन ही नहीं सकता, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? पर ऐसा हुआ है। अब देखिए आगे किसके बारे में बात है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो किसके बारे में बात थी? वो 17 साल से भी छोटी दिखने वाली लड़की, और उसका नाम क्या है बच्चों? एवलिन ग्लेनी,
है ना, हम इन्हीं एवेलिन ग्लेनी की ये कहानी पढ़ रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं उनके बारे में कि एवेलिन ग्लेनी की जो सुनने की जो शक्ति थी, है ना, वो कैसी थी, नियमित थी। वो उनकी जो सुनने की शक्ति जो कम हो रही थी, ग्रेजुअल होना मतलब नियमित होना, इस शक्ति का क्षीण होना कैसा था, नियमित था। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. तो एवेलिन ग्लेनी की जो मदर थी, उनकी जो मम्मी थी, उनको ये चीज़ याद है, रिमेंबर्स मतलब उनको ये चीज़ याद है कि उन्होंने ध्यान दिया था, नोटिस किया था कुछ, है ना। नोटिस करना मतलब किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना, और उस क्या थी वो चीज़ जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया था, वो ये चीज़ की थी कि एवेलिन ग्लेनी जब केवल 8 साल की थी और अपने पियानो के पास में वेट कर रही थी, तो उस बच्ची के साथ में कुछ गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी, देखें, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन लोगों ने उसका नाम पुकारा और वो हिली भी नहीं। I suddenly realized she hadn't heard. और अचानक से मुझे इस बात का एहसास हुआ, realized हुआ, suddenly मतलब अचानक से, और realize होना मतलब एहसास होना। मुझे अचानक से इस बात का एहसास हुआ कि उसने तो सुना ही नहीं, says Isabel Glennie. और ये बात किसने बोली, Isabel Glennie यानी कि Evelyn Glennie की मदर। उनकी माता जी का नाम क्या था बच्चों, Isabel Glennie। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो काफ़ी समय तक एवेलिन ये जो अपनी जो उनको बहरापन हो रहा था, इस चीज़ को वो छुपाने में, कंसील करने में, कंसील करना मतलब किसी चीज़ को छुपाना, काफ़ी समय तक तो अपने इस बहरेपन को छुपाने में, किन लोगों से बच्चों, अपने दोस्तों से, अपने अध्यापकों से, इस छुपाने को वो कामयाब हो चुकी थी, है ना। किसी को नहीं पता था कि उनके अंदर बहरापन आ रहा है, उनको अब कम सुनाई दे रहा है धीरे धीरे करके। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वो 11 साल की हुई, तब क्या हुआ, उनके जो मार्क्स थे वो धीरे 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 कैसे होने लगे, बिगड़ने लगे, डेटरेट होना। डेटरेट होना मतलब बिगड़ना, कम होना। जैसे पहले मान लो स्कूल में उनमें उनके 10 में से 10 आते थे, तो अब उनके कैसे आने लगे, 10 में से 6, फिर 10 में से 5, इस तरह से कम होने लगे। And her headmistress urged her parents to take her to a specialist. और वो जो उनकी अध्यापिका थी, headmistress थी स्कूल की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एवेलिन ग्लेनी के माता पिता से विनती की, अर्ज किया मतलब विनती की कि उसको किसी विशेषज्ञ के पास ले जाया जाए। स्पेशलिस्ट होता है एक विशेषज्ञ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और तब ये पाया गया, या तब ये चीज़ खोजी गई। क्या खोजी गई या क्या पाया गया, कि एवेलिन ग्लेनी का जो सुनने की शक्ति थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इम्पेयर होना मतलब ख़राब हो गई थी। और इस खराबी का कारण क्या था, क्यों, इस खराबी का कारण ये था कि उनके जो दिमाग की जो नसें थी उसमें क्या हो रहा था, नियमित तौर से क्षति पहुंच रही थी। ग्रेजुअल नर्व डैमेज, ये देख रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है ग्रेजुअल नर्व डैमेज का, इसका मतलब है नियमित तौर से नसों को क्षति पहुंच रही थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उनको ये परामर्श दिया गया, किनको बच्चों, एवेलिन ग्लेनी के माता पिता को ये परामर्श दिया गया, यानी कि एडवाइस किया गया उनको, है ना, ये परामर्श दिया गया कि एवेलिन ग्लेनी के कानों में एक सुनने की मशीन लगा दें, हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स क्या करते हैं बच्चों, ये एक तरह की मशीन होती है जो सुनने की शक्ति को थोड़ी सी बढ़ा देती है। कैसी दिखती है वो देखो, ये आपके सामने फोटो बनी हुई है ना, ये मशीन बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। इसको क्या करते हैं, कानों में लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ हमें आती है, पूरी तरीके से बहरा नहीं होता व्यक्ति।
एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ. और ये भी परामर्श दिया गया कि उनको किसी ऐसे विद्यालय में भेजा जाए जो किनके लिए है, जो खासकर बहरे लोगों के लिए है. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. और एवलिन क्या बोलती है कि अचानक से सब कुछ कैसा हो गया, अंधकारमय हो गया. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटर्मिंड टू लेड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और वो कैसी थी, उन्होंने ये दृढ़ संकल्प कर रखा था, वो डिटर्मिंड थी, ठीक है, उन्होंने ये दृढ़ संकल्प कर रखा था कि वो अपना जीवन बिल्कुल आम व्यक्ति के जीवन की तरह ही जिएंगी. और क्या करेंगी, वो परसू करेंगी, मतलब अनुसरण करेंगी किस चीज़ का, जो उनका इंटरेस्ट था, जो उनकी दिलचस्पी थी, किस में, संगीत में. तो उन्होंने क्या फैसला किया एवलिन ने, कि मैं हार नहीं मानूंगी और मेरी जो दिलचस्पी है संगीत के अंदर, मैं उसके लिए मेहनत करूंगी, उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसका अनुसरण करूंगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने ये देखा कि एक लड़की क्या बजा रही है, एक xylophone. Xylophone क्या है बच्चों, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. और वो कैसा दिखता है, ये देख रहे हैं आप, ये वाली तस्वीर आप लोगों के लिए जो लगाई गई है, ये वाली तस्वीर है बिल्कुल जैसा xylophone दिखता है ना. तो क्या किया एवलिन ग्लेनी ने कि एक दिन उनको दिखी कि एक लड़की ने xylophone बजा रही है, और ऐसा देख के उनकी भी इच्छा हुई कि वो भी xylophone बजाए. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. जो ज़्यादातर जो अध्यापक थे वो क्या करते थे, एवलिन ग्लेनी को क्या करते थे बच्चों, हतोत्साहित करते थे. लेकिन एक परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं बच्चों, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको हम बोलते हैं तालवादक, है ना. और उस तालवादक का नाम क्या था, रॉन फोर्ब्स. रॉन फोर्ब्स को क्या किया रॉन फोर्ब्स ने, उन्होंने ये देखा कि इस लड़की में क्या है, पोटेंशियल है. पोटेंशियल है मतलब सामर्थ्य है, है ना. रॉन फोर्ब्स को ये बात पता चली. ही बिगेन बाई टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. तो उन्होंने क्या किया, जो दो ड्रम्स थे, अब ड्रम्स क्या होता है बच्चों, पहले हम ये जान लेते हैं ना, ये जो ड्रम्स है ना, ड्रम्स कैसे दिखते हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये ड्रम्स होते हैं, है ना. कुछ थोड़ी सी नीचे की तरफ होते हैं और कुछ थोड़ी सी ऊपर की तरफ, और ये भी एक बहुत बड़ा ड्रम है. तो जो रॉन फोर्ब्स थे, जो तालवादक थे, उन्होंने क्या किया कि जो दो बड़े बड़े ड्रम्स थे ना, उनके ऊपर दो अलग अलग धुनें बजानी शुरू की. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से. और उन्होंने क्या बोला कि अपने कान से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. और इसको महसूस करने की कोशिश करो किसी और तरीके से. सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. तो एवलिन क्या बोली कि अचानक से उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो जो ड्रम था जो ऊपर की तरफ रखा हुआ था, उसको वो अपनी कमर से ऊपर के भाग में महसूस कर पा रही थी, और जो ड्रम नीचे की तरफ रखा हुआ था उसके ऊपर जो धुन बज रही थी वो उनको अपने कमर के नीचे के भाग में महसूस हो रही थी. वो धुन वो महसूस कर पा रही थी बच्चों, वो सुन नहीं सकती थी, है ना, पर वो महसूस तो कर सकती थी. और यही वो तालवादक रॉन फोर्ब्स चाहते थे. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंड सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. तो जो फोर्ब्स थे, जो रॉन फोर्ब्स थे, उन्होंने यही चीज़ बार बार करनी शुरू की. और तब एवलिन को ये एहसास हुआ, उसको ये डिस्कवर हुआ, उसने ये खोजा, उसने ये पाया. क्या पाया उसने, क्या जाना कि वो अलग अलग तरह की धुनों को अपने शरीर के अलग अलग अंगों में महसूस कर सकती हैं. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. और क्या बोली इसमें एवलिन, वो ये बोली कि ये जो साउंड्स है, जो वाइब्रेशन है, जो ध्वनि है और जो कंपन है, वो अपने दिमाग में और शरीर में
मैं महसूस कर सकती हूँ, पर कैसे? मैं ऐसे महसूस कर सकती हूँ कि मैंने अपने दिमाग की जो जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया था। मैंने कोशिश की थी मैं अब खोल के सोच सकूँ कि किस तरह मैं इन अलग अलग धुनों को महसूस कर सकती हूँ। द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाकी सब तो केवल क्या था, एवेलिन का दृढ़ निश्चय था, और क्या था, मेहनत थी। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प। तो बच्चों हम किसके बारे में जाना है अभी हमने इस कहानी में, एवेलिन ग्लेनी के बारे में, कि वो सुन नहीं सकती थी लेकिन फिर भी वो काफ़ी मशहूर तालवादक बनी। और उसकी शुरुआत कब हुई, जब वो किससे मिली, एक तालवादक रॉन फोब से, और उन्होंने सिखाया उन्हें, क्या सिखाया, कि जो संगीत है उसको सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की कोशिश करो अपने बाकी अंगों से। और जब उन्होंने ऐसा किया एवेलिन ग्लेनी ने, तो क्या हुआ, वो बहुत सारी धुनें महसूस करना सीख गई। तो बच्चों इस कहानी के अगले भाग में हम और जानेंगे एवेलिन ग्लेनी के जीवन के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ।